हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जो आप ये स्नोफॉल देख रहे हो गाइस, ये इस बार की स्नोफॉल नहीं है यार। ये स्नोफॉल मतलब लास्ट ईयर की स्नोफॉल है। नारकंडा के हाटू पीक पे लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर की स्नोफॉल आपको देखने को मिली है नारकंडा के हाटू पीक पे। तो गाइस, मैं बता देता हूँ कि जो नारकंडा के हाटू पीक की स्नोफॉल रहती थी, दिसंबर से मार्च अप्रैल तक स्नोफॉल रहती थी नारकंडा के हाटू पीक में। काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती थी नारकंडा के जो हाटू पीक है, इन आसपास का एरिया है, मतलब नारकंडा के हाटू पीक में सबसे लास्ट टाइम तक स्नोफॉल देखने को मिलती थी। तो गाइस, हाटू टेम्पल है जो माता जी का मंदिर है, मतलब माता रानी का मंदिर है। तो यहाँ देख सकते हो गाइस, काफ़ी कम पर्सन स्नो ट्रैक करके आ पाते हैं यहाँ तक। तो आप देख सकते हो रास्ता भी काफ़ी कम लगा हुआ है। आप यहाँ से आसपास का व्यू भी देख सकते हो कि आपको चारों ओर वाइट ही देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में स्नो ही स्नो देखने को मिलेंगी। तो आपको गाइस यहाँ पे नारकंडा के हाटू पीक पे मतलब इतनी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती थी, कम से कम 6-7 फीट बर्फ़ होती थी किसी टाइम यहाँ पे। मतलब तो अब इस बार तो हुई नहीं है अभी तक स्नोफॉल। 9, 7 और 8 तारीख को मतलब हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई थी। तो गाइस, अब जो नेक्स्ट स्नोफॉल कल और परसों को बता रहे हैं। अगर गाइस नारकंडा में फिर से स्नोफॉल होती है या कुफरी या शिमला कहीं भी आपको मतलब स्नोफॉल होती है, तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा स्नो से रिलेटिव। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको मतलब जब भी कभी स्नोफॉल होती है और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी यहाँ पे नारकंडा में स्नोफॉल होती है या कहीं भी स्नोफॉल देखने को मिलती है, तो मैं आपको अपने चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। और कहीं भी मैं जैसे घूमने जाता हूँ, ट्रैकिंग वगैरह पर जाता हूँ, तो आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो गाइस, ये देख सकते हो आप आसपास का व्यू, काफ़ी प्यारा व्यू है, स्नो से ढका हुआ व्यू है बिल्कुल। मतलब आपको चारों ओर स्नो ही स्नो देखने को मिलेंगी। गैस, पिछली बार भी मतलब कम स्नोफॉल हुई थी, इस बार तो बिल्कुल भी अभी तक नारकंडा में स्नोफॉल हुई नहीं है। 8-9 तारीख के आसपास मतलब हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई थी, मतलब बिल्कुल मामूली सी, मतलब वो भी हवा के साथ आ गई थी। आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा मेरी। तो गैस, आप सोच रहे होंगे कि मतलब आज की मतलब 2024 की स्नोफॉल है, तो गैस पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 2024 की स्नोफॉल नहीं है। काफ़ी से लोग ये सोचते हैं कि मतलब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मतलब मैं वीडियोस में कुछ गलत बता रहा हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियोस मतलब इस बार की नहीं है, इससे पहले 2023 और 2024 मतलब 2022 और 2023 की वीडियोस है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैंने क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब वगैरह कर लेते हैं, मतलब या कुछ गलत कमेंट कर लेते हैं। तो गैस, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये स्नोफॉल इस बार की नहीं है। एक 2 साल पहले की स्नोफॉल कुछ इस तरीके का व्यू रहता था नारकंडा की हाटू पीक पे, स्नो ही स्नो देखने को मिलती थी। आप देख ही सकते हो कि कितनी हैवी स्नोफॉल इधर देखने को मिलती है, मतलब काफ़ी हैवी स्नोफॉल। और ये गैस आपका स्नो पॉइंट है जहाँ हाटू पीक से 3 किलोमीटर पीछे है, यहाँ पे 3 मैगी व्यू का स्टॉल है, वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता था, स्नोफॉल ही स्नोफॉल देखने को मिलती थी। और गैस लास्ट ईयर तक यहाँ पे स्नो चैन लगा के गाड़ियाँ आती थी, बस जाते वो भी 4x4 गाड़ियाँ जाती आती थी वो भी यहीं तक, बट इस बार ये आपकी गाड़ियाँ डायरेक्ट मंदिर तक जा रही है। आपको कहीं भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेंगी, ना ही नारकंडा, ना ही शिमला, ना ही कुफरी, ना ही मनाली में। मनाली में भी आपको सिसु, मनाली से आगे जाके सिसु में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। गैस, ये कुछ रोड है, रोड की हालत आइडिया आपको लग नहीं रहा होगा कि ये रोड है इसमें। गैस, इतनी हैवी स्नोफॉल नारकंडा में होती थी किसी टाइम, आने वाले टाइम में मतलब काफ़ी कम स्नोफॉल होने लगी ये, जैसे इस बार तो अभी तक बिल्कुल भी स्नोफॉल हुई नहीं है। बट गैस बता रहे कल और परसों को स्नोफॉल के बारे में, कल या परसों स्नोफॉल होती है तो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले अपडेट दे दूंगा और लाइव भी स्नो दिखाऊंगा मैं अपने चैनल पे। तो गाइस, रास्ता आप देख सकते हो और यहाँ पे आसपास का व्यू देख सकते हो कि कितनी हैवी स्नोफॉल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घास नहीं दिख रहा, झाड़ियाँ दिख रही है, वो भी पेड़ की डंडियाँ दिखाई दे रही है, बस जो नीचे घास है वो बिल्कुल दब चुका है, मतलब हल्का फुल्का जो काफ़ी लंबी झाड़ियाँ वही दिख रही है, बाकी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये देख सकते हो गए। तो गैस, ये लोकेशन आपकी नारकंडा से जो हाटू पीक वाला रोड है उससे 1-1.5 किलोमीटर आ गया है। तो यहाँ पे भी आपकी स्नो एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा रहती थी, मतलब इस बारी तो अभी मतलब यहाँ पे स्नोफॉल कहीं भी नहीं हुई है। आपको जैसे पता ही है कि इस बारी कहीं भी स्नोफॉल नहीं हुई है। तो यहाँ देख सकते हो गैस, आप व्यू भी काफ़ी प्यारा व्यूज़ देखने को मिलता है। तो गैस, ये कुछ पुरानी क्लिप्स है मेरे पास। तो गैस, ये देख सकते हो, मैं मतलब यहाँ पे ट्यूब स्लाइड करने वाला हूँ गैस। ये उस टाइम मैंने कुछ क्लिप्स ऐसी बना दी थी, उस टाइम मैं मतलब ब्लॉग, मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था, मैंने बस क्लिप बनाई थी। तो मैं मतलब मुझे
उस वजह से मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर की है। गाइस मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आपको नारकिंडा में कहीं भी या मतलब होम स्टे या कुछ भी ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कहीं भी आप ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस वीडियोस में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया क्योंकि फ़ोन छूट चुका था मेरा। गाइस उसके रिटर्न फ़ोन उठाया फिर मैंने वीडियो शूट की, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंजॉय आप यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ का ले सकते हो। गाइस ये नारकंडा में आपको नारकंडा की हर पिक पे भी आपको स्नो एक्टिविटीज़ मिलेंगी, और कहते धाम मतलब नारकंडा मैन मार्केट के साथ भी आपको स्नोफॉल देखने को मिलेंगी, काफ़ी जगह मतलब एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो गाइस ये कुछ घर के साथ से एक मतलब पेड़ ट्री था, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा था स्नो से ढका हुआ था, काफ़ी प्यारा ऑसम व्यू देख सकते हो आप। जो यहाँ पे जो आसपास व्यू है बिल्कुल स्नो ही स्नो देखने को मिल रही थी। ये मतलब लास्ट ईयर से मतलब ये 2022 की स्नोफॉल की वीडियोज़ है, आप देख सकते हो कितनी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती थी। मैं यहाँ से घर से मतलब हर टॉपिक जा ही नहीं सकती थी, इतनी हैवी स्नोफॉल हो जाती थी, रोड भी बिल्कुल ब्लॉक ही रहते थे, मतलब गाड़ियाँ भी नहीं जाती थी, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलती थी। अब तो मतलब स्नो काफ़ी कम देखने को मिलती है, जैसे इस बारी तो अभी तक बिल्कुल भी स्नोफॉल हुई नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया।